जी नमस्कार, कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में स्वागत अभिनंदन। आज आपके समक्ष सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविता पर्वत प्रदेश में पावस के साथ उपस्थित हुए हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो वास्तव में छायावादी युग के एक महत्वपूर्ण स्तंभकार माने जाते हैं, यानी एक ऐसा छायावाद जिसकी इमारत के प्रमुख स्तंभ या प्रमुख जो पिलर थे, वो पिलर जो है सुमित्रा नंदन पंत को भी माना गया है। चलिए इनके जीवन के प्रमुख बातों की जानकारी हासिल करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के कोसानी के अल्मोड़ा नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम था गोसाई दत्त, आपको लिख लेना चाहिए इनका वास्तविक नाम था गोसाई दत्त, लेकिन इनको अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण इनकी सहमति से इनके घर वालों ने इनका दूसरा नाम सुमित्रा नंदन पंत रखा। ये बहुत छोटे थे, यानी जन्म के कुछ समय पश्चात इनके माता जी का देहांत हो गया। इनका लालन पालन उनकी दादी जी के द्वारा किया गया। कविताओं में, काव्य रचना में, काव्य वाचन में इनकी रुचि इतनी प्रगाढ़ थी कि जब ये 7 वर्ष के थे तो उन्होंने स्कूल के अंदर एक कविता का पाठ किया था। इसके काव्य वाचन के कारण इनको वहां पुरस्कृत किया गया, इनको सम्मानित किया गया। साहित्य सृजन में स्थायी रूप से मूल रूप से 1915 से ही प्रेरित हुए। इन्होंने कई स्वाधीनता सेनानियों के जीवन से भी प्रभावित होकर के सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर। शुरुआत में तो इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और प्रकृति में फैले रहस्यवाद को अपना कविता का विषय बनाया। इन्होंने फूल, पत्ती, झरना, आंसू, पल्लव, वीणा, गुंजन, चिदंबरा, लोकायतन, संध्या, मेघमय आसमान, कई ऐसे चीजों के ऊपर अपनी कविताएं लिखी जो प्रकृति के प्रमुख तत्व थे। इनकी पंक्तियां थी, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे, क्या गजब का मानवीकरण किया है। बाद में वो मार्क्सवाद से और महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित हुआ और उनकी अंत की कविताओं में अरविंद के दर्शन भी होते हैं। रोजगार के रूप में ये उदय शंकर संस्कृति केंद्र से भी जुड़े, आकाशवाणी में भी परामर्शदाता यानी सलाहकार बने रहे। इन्होंने एक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की जिनका शीर्षक रखा लोकायतन। 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1961 में भारत के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार और 1969 को ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और इसी तरह साहित्य सृजन के माध्यम से साहित्य सेवा करते हुए 28 दिसंबर सन 1977 को इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किन्नर और लोकायतन। हमारी पुस्तक में इनके द्वारा लिखी गई कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया कि कई बार कुछ ऐसी रचनाएं होती है जिनको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हम पढ़ नहीं रहे, उसको जी रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, उसी वातावरण में हम सांस ले रहे हैं। ऐसी रचना की जो विधि होती है, जो तरीका होता है, उसे कहते हैं शब्द चित्र विद्या। क्या कहा जाता है? शब्द चित्र विद्या, यानी ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हुए अपनी बात को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना कि हमारी कल्पनाओं में उसका चित्र उभर कर सामने आ जाए, वही कहलाता है शब्द चित्र विद्या। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी इस कविता के माध्यम से शब्द चित्र विधा का बहुत बखूबी पालन किया है और उनका यह प्रयास सराहनीय भी रहा है। देखो यहाँ पाठ परिचय में साफ दिया गया है कि भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं मचलता हो, वही सभी का मन करता है। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर मिलता वे भी अपने आस पास के प्रदेश में जाने का अवसर गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में यदि कोई कवि और उसकी कोई कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही आपको पूरे पहाड़ी प्रदेश की अनुभूति करा दे, अनुभव दे दे,
जैसे कि आप अभी अभी पर्वतीय अंचल में से लौट कर आए हो, तो क्या अच्छा लगेगा सभी को? बिल्कुल अच्छा लगेगा, बिल्कुल। इसी कविता में भी ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारने का अनुभव हमें प्राप्त होता है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए ऐसी अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं गायब हो गई है और आसपास हम एक ऐसे स्थान पर है जहां चारों तरफ पहाड़ों की अपार श्रृंखलाएं हैं, आसपास में झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी झरनों के स्वर में लीन हो जाना चाहते हैं। इनकी इसी खासियत को महाप्राण निराला जी ने भी कहा कि पंत जी की सबसे जबरदस्त कौशल जो है वो है शैली। शैली यानी अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना, अर्थात पाठक वर्ग तक अपनी समस्त भावनाओं को चित्र समेत प्रेक्षित कर देना। और इनकी कविता इस बात का प्रमाण भी है, पर्वत प्रदेश में पावस। देखिए पर्वत प्रदेश यानी ये पहाड़ दिख रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश यानी जगह कौन सी है? पर्वतों वाली। पावस समय है वर्षा ऋतु का, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। ये पहाड़ है, दिख रहे हैं आप लोग, पहाड़ों में ऊपर में बादल छाए हुए हैं, इन बादलों में से ये बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण नीचे जल स्तर बढ़ गया है। जल स्तर में बढ़े होने के बावजूद भी जमीन पर ये इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं जो पानी की अधिकता में भी ऐसा लग रहा है जैसे आसमान की ऊंचाइयों की ओर, पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक चित्र यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत ने हमारे समक्ष उपस्थित किया है, जिसमें बताया गया है कि पर्वतीय प्रदेश में मौसम जो है एक रूप नहीं रहता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। कैसे? कि पहले वाष्पोत्सर्जन हुआ और वाष्पोत्सर्जन से वहां वाष्प बनी, पूरी की पूरी भाप ऊपर वायुमंडल में जाकर के और ज्यादा नमी इकट्ठी कर करके वहां बादलों का रूप ले लेती है और बादलों में से फिर संघनन होता है, यानी पूरी की पूरी जो नमी है, भाप है, वो पानी के रूप में संघनित होकर प्रवाहित होकर बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगती है। बारिश आ जाती है, बारिश के बाद फिर से मौसम खुशनुमा होता है, सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश फैलने लगता है, फिर से भाप निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर से बादल बनते हैं और फिर बादल संघनित होकर वर्षा करते हैं। यानी जो मौसम है वो निरंतर बदलता रहता है, एक रूप नहीं रहता है। देखिए अनुप्रास अलंकार है, उस अलंकार में क्या होता है, हर एक पंक्ति में हर एक शब्द में एक ही वर्ण आता है। सुनना मेरी पंक्ति, तरणी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहुछाय, इसी तरह से भगवान भक्तों की भयंकर धोनी भीती बगाइए, सुना ना। फिर से देखिए रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, सुना। तो इसी तरह से यहाँ पे जो शुरुआत की दो पंक्तियां हैं उसमें भी पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पा की, पावस ऋतु थी, पा पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित, पा 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 प्रकृति वेश, फिर से को समझ आया। जब किसी कवि की पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार होते हैं और उस कविता की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं तो वहां पे अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त होता है, यानी अलंकारों की दृष्टि से हमें पता चलता है कि इस कविता के अंदर अनुप्रास अलंकार तो बहुत ज्यादा काम में लिया गया है। दूसरा इस कविता का मुख्य अलंकार है वो है मानवीकरण। ध्यान दीजिएगा, मानवीकरण का क्या अर्थ है? मैंने कहा मेघ आए वर्ण सन्न ठमर वर्ण ठंड समर के, मेघ आए वर्ण ठंड समर के, बादल आ रहे हैं समर समर के वन ठंड, यानी बादलों के अंदर मानवीय क्रियाओं का क्या किया गया? आरोप किया गया, ठीक है ना। जब किसी प्रकृति के तत्व पर मानवीय या प्राणियों की क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है, मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त होता है। देखिए
प्रवेश प्रतिवेश आवश्यक वर्षा ऋतु यानी मौसम थी यानी था वर्षा का समय था वर्षा का मौसम था पर्वत यानी पर्वतीय प्रदेश यानी जो क्षेत्र थे और जगह कौन सी थी पर्वतों से युक्त क्षेत्र था क्या हुआ भाई वहां पर पल पल यानी हर एक क्षण परिवर्तित बदल रहा था प्रकृति चारों तरफ की प्रकृति का या चारों तरफ का वातावरण प्रवेश यानी रूप पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि पर्वतीय प्रदेश में उस समय वर्षा ऋतु का समय था और ऐसे समय में वहां का वातावरण हर एक क्षण नया रूप बदल रहा था नया रूप धारण कर रहा था। ठीक है, अब उस पूरी कविता के अंदर इसके किस तरह के अर्थ को दिया गया है इसका सचित्र वर्णन आपको ब्लैकबोर्ड क्लास में समझाया जाएगा। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को जैसे ये सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय अच्छे से समझ आया हो।